आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। स्पोकन की क्लास की शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कुछ लोग जिन्होंने शायद आज ही टीवी को ट्यून किया होगा चैनल को, प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुकेश जन्मा, डायरेक्टर ऑफ टाइटेनियम एजुकेशन। पिछले कई सालों से कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक स्पोकन इंग्लिश की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं एंड कई सारे स्टूडेंट्स अच्छी कंपनीज में जॉब प्लेसमेंट भी पा चुके हैं इंग्लिश की वजह से और एक अच्छी पर्सनैलिटी की वजह से। एनीवे, उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत जल्द एक अच्छी शख्सियत में तब्दील हो पाएं और जो नॉलेज आपको यहां से मिल रहा है इन क्लासेस की, टाइटेनियम की क्लासेस से, निश्चित तौर पे आपको अपनी लाइफ में जरूर फायदा होगा। एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंग्लिश ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल भी नहीं आता। इंग्लिश का वो भाग जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो वो क्या था? लैंग्वेज। वो लैंग्वेज था, डियर माई गॉड, दैट वॉज अ सब्जेक्ट। क्या और उसको पढ़ने का प्रोसेस क्या था? माइंड टू हैंड। माइंड टू हैंड मतलब टीचर्स हमको पढ़ाते थे, हम हर चीज को हमारे माइंड से समझते थे और एग्जाम में हैंड से लिख लेते थे। हम यहां कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर इस क्लास में, क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का प्रोसेस क्या बताया? माइंड टू टंग, मतलब जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको माइंड से समझते सीधा टंग पर लाना है, तेज आवाज में बोलना है। और कल मैंने बहुत सारी चीजें बुलवाई थी और काम भी दिया था कि घर पे जाके जो काम कर रहे हो हर काम को करते करते चिल्लाते हो बोलना है, राइट? एक दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक चीज और होती है कि ठीक से आपको ग्रीट करना आता कि नहीं आता। कल से जब भी आप क्लास में आते हो आते ही सबसे पहले बोलोगे सर आपको देखकर खुश हूं, हैप्पी टू सी यू। बोलिए हैप्पी टू सी यू। इसकी जगह दूसरा बोलिए ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू। या फिर ऐसा बोलिए नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। सर आपको देखकर खुश हूं। नहीं भी हो तो भी ये चीज आपको सिस्टम में लाना है। हमेशा जब आप बोलोगे तो चीजें अपने आप स्पोकन में आने से लग जाएंगी, राइट? और जाते वक्त आज से पतली गली से नहीं निकलोगे, आप सबको जाते जाते बोलना है सर आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा या फिर खुशी हुई, नाइस मीटिंग विद यू। बोलिए नाइस मीटिंग विद यू। ऐसा जाते जाते बोलना है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। एक बार शुरू से पूछना चाहूंगा, कल मैंने आपको बताया था कि स्पोकन के अंदर बोलने की ज्यादा जरूरत होती है, आपकी जुबान चलेगी तब जाके बोलना आएगा। हम जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं यहां पे ये लैंग्वेज है, भाषा है, हमको कम्युनिकेट करना सीखना है, बातचीत करना सीखना है। और बोलने के लिए लैंग्वेज के लिए क्या प्रोसेस बताया था? माइंड टू टंग। एक टंग पर एक बार बोलने से बोलना आ जाएगा क्या? नहीं। कितनी बार रिपीट करना है? 40 times. कम से कम 40 टाइम्स। इतनी बार क्यों? गुरु मंत्र क्या बताया? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलिए साथ में स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और मैंने तरीका बताया था कि फिल्म से आपको डायलॉग सुनने हैं इंग्लिश के और उसको सुनते ही तेज आवाज में रिपीट करना है, रिपीट करने से जुबान पे आएंगे। फिल्म से नहीं, यहां पे भी जो चीज हम बुलवा रहे हैं उसको बार बार बोलना है। मैंने कहा था हम सुबह से लेकर शाम तक कई सारे काम करते हैं, खाना पीना बात करना, ये सारे काम करता कौन है? आई। ऐसा मान के चलना मैं करता हूं और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और सारे काम को हम यहां क्या बोल रहे हैं? एक्शंस। जो भी काम अभी लगातार चल रहा है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, कल वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर रहा हूं, तो बोलिए करते करते आई एम रिवाइजिंग। सब जने एक साथ बोलिए आई एम रिवाइजिंग। मैंने, तुम रिवाइज कर रहे हो, यू आर रिवाइजिंग, यू आर रिवाइजिंग। नहीं, मेरा दोस्त वो रिवाइज कर रहा है सर। सेंटेंस फॉर्म में बोलिए ही इज रिवाइजिंग, ही इज रिवाइजिंग। नाउ हम सब रिवाइज कर रहे हैं, वी आर रिवाइजिंग। सेंटेंस बोलिए वी आर रिवाइजिंग, वी आर रिवाइजिंग। वे सब रिवाइज कर रहे हैं तो दे आर रिवाइजिंग, दे आर रिवाइजिंग। बस खाली सेंटेंस बोलना है। अभी तक गलती क्या की थी, हम सिर्फ देखते थे और सेंटेंस कॉपी के अंदर बनाते थे। पहले हम कहते हैं कि कॉपी में बाद में बनाना, होमवर्क करके लाना आपको। सबसे पहले आपको अपनी जुबान से तेज आवाज में इसको चिल्ला के बोलना है, जुबान घिसेगी अपने आप परफेक्शन आएगा। ओके? जो काम चल रहा है आज भी, टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं पीछे दे रखा है स्लाइड में, आप भी लिखें। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं प्लीज आप भी, जो वोकैब हम लोग यहां से दे रहे हैं कुछ वोकैब ऐसी हैं जो शायद आपने सुनी नहीं होगी, एंड जो टॉपिक ग्रामर लिखा हुआ उसको बीच बीच में जब भी आपको वक्त मिले लिखते जरूर रहें और वोकैब के साथ में जैसे मैं कह रहा हूं वैसा अभ्यास करें, राइट? सर आपने फ्रेंचसी रखी हुई है, क्या आप वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? सेंटेंस फॉर्म में बोलो, वोकैब दे रखी, बोलिए पहले खुद को बोलिए मैं वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। आई एम एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। नहीं, आप वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर रहे हो सर, यू आर एक्सेप्ट
एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर? यू आर एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। अरे मैं तो आजकल एक बुक रिसर्च कर रहा हूँ, आई एम रिसर्चिंग ए बुक, आई एम रिसर्चिंग ए बुक। सेकंड नंबर पे वोकैब दे रखी, बोलिए देख के, आई एम रिसर्चिंग ए बुक, आई एम रिसर्चिंग ए बुक। नहीं नहीं, तुम बुक रिसर्च कर रहे हो, यू आर रिसर्चिंग ए बुक, यू आर रिसर्चिंग ए बुक। पूरा सेंटेंस बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, राइट? कोई भी काम कर रहे हो, नहीं आप तो, मैं अपना प्रोफेशन बदल रहा हूँ, अपना काम धंधा सब बदल रहा हूँ, आई एम चेंजिंग प्रोफेशन, बोलिए मेरी आवाज में, जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उच्चारण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में एक बात और बताऊंगा, वो है वॉइस क्वालिटी। क्या वॉइस क्वालिटी? आप बोलोगे अपनी जुबान पे क्लैरिटी के साथ बोलोगे, तब जाके आपका उच्चारण सुधरेगा। मैं अपना पेशा ही बदल रहा हूँ, सेंटेंस बोलिए, आई एम चेंजिंग प्रोफेशन, आई एम चेंजिंग प्रोफेशन। तुम अपना पेशा बदल रहे हो, यू आर चेंजिंग प्रोफेशन, यू आर चेंजिंग प्रोफेशन। नहीं, मैं तो ऐसे ही लोरी गुनगुना रहा हूँ, गुनगुनाना समझते हो? एक तो गाना गाना सिंग, और एक गुनगुनाना, गुनगुनाना मतलब समझते हो, पूरा गाना गाना नहीं, जैसे ये एक गाना गुनगुनाना हुआ, और गुनगुनाने को हम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बोलिए हम, क्या हम, और मैं एक लॉरी गुनगुना रहा हूँ, लॉरी को हम बोलते हैं ललाबाय, क्या ललाबाय, ललाबाय, ललाबाय। मैं लॉरी गुनगुना रहा हूँ, पूरा सेंटेंस फॉर्म में तब्दील करके बोलिए, आई एम हमिंग ललाबाय, आई एम हमिंग ललाबाय। फिर से बोलिए, आई एम हमिंग ललाबाय। मैं नहीं सर, आप लॉरी गुनगुना रहे, पूरा सेंटेंस बोलिए, यू आर हमिंग ललाबाय, वो लॉरी गुनगुना रहा है, ही इज हमिंग ललाबाय। बस ऐसे सेंटेंस बोलने हैं। हिंदी मीडियम में हम सिर्फ 5 वाक्य पढ़ते थे, राम कॉलेज जा रहा, सीता पानी भर रही है। यहां पे आपको जो सारे काम आप रियल लाइफ में दिख रहे हैं, बस हर काम को ऐसे ही जुबान से निकालते जाइए, निकालते जाइए। आप घर में खुद रोटी सेक रहे हो, आप तो रूम लेके रहते हो मिस्टर किशन, जब आप खाना बना रहे हो, रोटी सेक रहे हो, तो रोटी सेकते सेकते बोलिए, मैं रोटी सेक रहा हूं। अब आधे लोगों को नहीं आता है, तो ऐसा भी नहीं जुनून सवार हो जाए, कुछ लोगों के जुनून सवार हो जाता है, सर आई एम ब्रशिंग टीथ, आई एम टेकिंग बाथ, नहीं आया, रोटी सेक रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं आता, तो हिंदी में आई एम सेकिंग रोटी, नहीं आता तो भाई आके पूछना, दूसरे दिन व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं नीचे, आपको फेसबुक का लिंक दे रखा है, सारी सुविधाओं से आप भरपूर हर चीजों का फायदा उठाना है। पूछिए सर कि रोटी सेकने को क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए, और नॉर्मल मैसेज करके भी पूछ सकते हो आप, रोटी सेकने को बोलते हैं ग्रिल चपाती, वर्ड बोलिए ग्रिल चपाती। तो जब आप रोटी सेक रहे हो, तो दूसरे दिन बोलना है कि मैं रोटी सेक रहा हूं, पूरा सेंटेंस बोलो, आई एम ग्रिलिंग चपाती, आई एम ग्रिलिंग चपाती। बाय द वे, सामने आपकी मम्मी, वो अगर रोटी सेक रही, तो उसको बोलिए यू आर ग्रिलिंग चपाती, यू आर ग्रिलिंग चपाती। दूर आपकी सिस्टर सेक रही, तो बोलो शी इज ग्रिलिंग चपाती, शी इज ग्रिलिंग चपाती। मेरे कहने का सेंस है, सिर्फ चीजें सुनने से, देखने से, समझने से कुछ नहीं। बेशक ये बात मैं स्वीकार करूंगा कि चीजें सबसे पहले समझी जाती है, ग्रामर पढ़ी जाती है, लेकिन ग्रामर पढ़ने के बाद दूसरी उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति किसकी होनी चाहिए, वो है टंग प्रैक्टिस, जुबान पे अभ्यास करिए। जो काम चल रहा है घर पे जाके आज वापस तेज आवाज में चिल्लाइए, आतंक मचा दीजिए घर में। जब इतना चिल्लाओगे तो घर वाले बोलेंगे ये पागल हो गया, इतना चिल्लाओगे तो बोलेंगे ना। Yes, लेकिन उनको बताना है कि पापा अगर नहीं बोलूंगा तो बोलना नहीं आएगा, और फिर जो गुरु मंत्र आपको बता रखा है, क्या स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, दैट्स ऑल, वो आपको शेयर करना है पापा और मम्मी के साथ, कर पाओगे? यस सर। फिर जो काम चल रहा, हर काम को करते करते बोलना है। अच्छा, दूसरी बात, इंडिया में लोगों की एक और आदत है, हमें पता है कि ये काम ये कर रहे हैं, दिख रहा है कि रोटी सेक रहे हैं, फिर भी जाके पूछेंगे रोटी सेक रहे हो क्या, अच्छा इंसान हुआ तो जवाब देगा हाँ रोटी सेक रहा हूं, उल्टे दिमाग का हो तो उल्टे ही जवाब देगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, हमारी आदत है। एक तो बात की शुरुआत करने का ये एक अच्छा तरीका है, हिंदी में तो आप एक या दो बार पूछते हो कोई काम कर रहा है, दिख रहा है फिर भी आप पूछते हो, इंग्लिश में आपको यही आदत कम से कम आज ही घर पे जाना हो, 6 times पूछना है, कितनी बार, 6 times। जैसे आप रोटी सेक रहे हो, खुद सेक रहे हो, तो पहले सेंटेंस में बोलिए आई एम ग्रिलिंग चपाती, फिर से बोलिए आई एम ग्रिलिंग चपाती, फिर आप मम्मी को बोलिए आप रोटी सेक रहे हो, यू आर ग्रिलिंग चपाती, यू आर ग्रिलिंग चपाती। ये तो आप मम्मी को कह रहे हो कि आप रोटी सेक रहे हो, यू आर ग्रिलिंग चपाती। और सुनिए, अगर प्रश्न करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो यू आर ग्रिलिंग चपाती में से आर आगे निकालो, और आर आगे लाके फिर पूरा सेंटेंस पूछिए, आर यू ग्रिलिंग चपाती, आर यू ग्रिलिंग चपाती। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ देखकर बोलिए आर यू ग्रिलिंग चपाती, आर यू ग्रिलिंग चपाती। और क्या कहा, ये सवाल कितनी बार पूछना है, 6 times, कितनी बार, 6 times। आपकी मम्मी जवाब देगी कि हाँ बेटा मैं रोटी सेक रहा हूं, आई एम ग्रिलिंग चपाती, मैं रोटी सेक रही हूं, आई एम ग्रिलिंग चपाती। आपको ये सवाल तुरंत वापस पूछना, आर यू ग्रिलिंग चपाती, आर यू ग्रिलिंग चपाती। मम्मी बोलेगी यस आई एम ग्रिलिंग चपाती, सवाल रिपीट करिए, आर यू ग्रिलिंग चपाती। मम्मी बोलेगी यस आई एम ग्रिलिंग चपाती, सवाल रिपीट करिए, आर यू ग्रिलिंग चपाती। उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, अरे हाँ रे आई एम ग्रिलिंग चपाती, सवाल रिपीट करिए, आर यू ग्रिलिंग चपाती। जब तक बेलन चकला आपकी तरफ नहीं आ जाए, तब तक आपको पूछते रहना है। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं सर आप भी घर में लड़ाई करने जैसा माहौल पैदा कर रहे हो, लेकिन अगर आप बार बार नहीं पूछोगे, इंग्लिश इज नॉट अबाउट द स्टडिंग मैटर्स, एक स्टडिंग मैटर नहीं है, आप पढ़ाई करते रहिए,
ऑब्जर्व करके उन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करना। हिंदी में तो आदत पड़ी हुई, इंग्लिश में यह आदत अपने आप तो नहीं आने वाली है, आपको इसको बार बार ऐसे ही अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आपको 6 टाइम पूछना है। हालांकि 6 टाइम से भी आप उस उच्च स्तर के लेवल तक तो नहीं आ पाओगे, लेकिन फिर भी आपकी जुबान पे कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस आएगी, परफेक्शन आएगा ज्यादा ज्यादा। अब मैं आपको वोकैब उठा रहा हूं, आप सबको मुझसे पूछना है। मान लीजिए कि सामने जो वोकैब लिखी हुई ऊपर, ये वोकैब अभी तो लगातार नहीं चल रहा ये काम, लेकिन अभ्यास के तौर पे अपनी जुबान को मजबूत करने के लिए अभी ऐसा मानना है कि ये काम मैं अभी कर रहा हूं और आपको पूछना है। और कितनी बार पूछना है? 6 times. जेंटलमैन, यू आर वेरी स्मार्ट। यू गाइस, आप भी सब बोलिए साथ में। आप ऐसा मान के चलना कि जो भी काम कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने मुझे पार्टी में बुलाया है, आपकी पार्टी में मैं खड़ा हूं, पूछोगे जरूर, सर क्या आप दावत का लुफ्त उठा रहे हो? ऊपर लिखा हुआ इधर साइड में देखिए, एंजॉय पार्टी। तो आप मुझसे पूछेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, आर यू एक्शन की जगह एंजॉय पार्टी ING लगा के मुझसे पूछिए, सर आप पार्टी का आनंद तो ले रहे हो? मैं कहूंगा यस आई एम एंजॉयिंग पार्टी। ये क्वेश्चन आपको 6 टाइम पूछना है। 6 बार क्यों? क्योंकि 6 बार पूछोगे तो अपने आप जुबान पे फ्लो आएगा। फिर से पूछिए, आर यू एंजॉयिंग पार्टी? यस आई एम एंजॉयिंग पार्टी। आर यू एंजॉयिंग पार्टी? जेंटलमैन, यस आई एम एंजॉयिंग पार्टी। आर यू एंजॉयिंग पार्टी? नो डियर, आई एम नॉट एंजॉयिंग पार्टी। जब बात खत्म हो जाए तो बोलिए ओके ओके, बात समाप्त खत्म। उसको कुछ तो कुछ सिग्नल के साथ मुझे बताओगे, बोले ओके ओके। कोई भी काम चल रहा, हर काम को करते करते ऐसे ही बोलना है। आपको किसी ने कहा है कि मुकेश सर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड तीर्थ यात्री को कहते हैं पिलग्रिम्स। वर्ड बोलिए पिलग्रिम्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप भूल जाओगे, उच्चारण जुबान पे आना इतना आसान सी बात नहीं है, आपको फिर से बोलना है। हम लोग जो तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्री को कहते हैं पिलग्रिम्स। क्या? पिलग्रिम्स। देखिए सेकंड लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, गो ऑन पिलग्रिमेज। वर्ड बोलिए गो ऑन पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाना। आपको किसी ने कहा कि मुकेश सर टाइटेनियम वाले तीर्थ यात्रा पर जाने हैं, तो आप मुझसे पूछोगे जरूर, आर यू, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए, आर यू एक्शन कीजिए, गो, गो के साथ आईएनजी लगाए, मुझे पूछिए क्या सर आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? आर यू गोइंग ऑन पिलग्रिमेज? यस आई एम गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। आर यू गोइंग ऑन पिलग्रिमेज? यप आई एम गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। जेम, बात खत्म हो जाए तो आप भी ऐसे रिप्लाई करिए ओके, नहीं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, राइट? यस। दूसरी बात, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हो, अब हमारा मेन टारगेट ये नहीं कि सिर्फ मैं बुलवा रहा हूँ उसी को बोले, आप भी अपने भाई से पूछें, बहन से पूछें, घर में जो भी कोई भी काम कर रहे हैं उसको करते करते पूछिए आप। जैसे बाय द वे आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यूं बैठे नहीं रहे, चुपचाप बैठे रहने से एक बार समझने से आपको ग्रामर समझ में आएगी, डियर आपको बोलना नहीं आएगा। आप पापा को जाके पूछिए, पापा आप अखबार पढ़ रहे हो क्या? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? पूछिएगा। और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है आपसे, सिर्फ प्रोग्राम को देखते नहीं रहे, आप घर वालों को सवाल पूछें बार बार, ऐसे पूछना आपको भी, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आपके पापा बोलेंगे यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, रिपीट करिए सवाल, यस आई एम रीडिंग। आपको सवाल पूछना है पापा को, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? पापा बोलेंगे यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, सवाल रिपीट करो, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? 6 बार पूछना है, कम से कम 6 बार। क्यों पूछना है? पूछने के बाद पापा कभी भी गुस्सा भी होंगे आपके ऊपर, थोड़े अग्रेसिव होंगे, फिर उनको बोलना कि पापा स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। हमको माहौल नहीं मिलने वाला है जितना माहौल हमको हिंदी में मिला था, कितना हमने हिंदी को सुना था, इंग्लिश में नहीं है। आपको इन सेंटेंस का अभ्यास करना है, और वोकैबुलरी आपको मैं लिखवा रहा हूं, सामने लिखी हुई स्लाइड को लिखेंगे। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपके पास समय की बहुत कमी है, आप नहीं लिख पाओगे सारी वोकैबुलरी जो पीछे दे रखी है। आप क्या कीजिएगा, हमारे जो यूट्यूब चैनल है मुकेश जनवा टाइटेनियम एजुकेशन, यूट्यूब से ये क्लास डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट डे। दूसरी बात, आप फेसबुक लिंक लिखिए, टाइटेनियम एजुकेशन पेज पर जाके लाइक करिए, और कुछ भी पूछना आप और सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा, व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन दे रखी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ भी वर्ड्स की परेशानी हो, वोकैबुलरी की दिक्कत हो, प्लीज व्हाट्सएप कीजिए या फिर मैसेज के थ्रू सवाल पूछिएगा। अगर आपने पूछा तो निश्चित तौर पर ये ज्ञान, ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा, और अभी कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं होता। कई सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सब लोग बोलिए, मैंने कहा था जाते जाते बोलना है, नाइस मीटिंग विद यू सर। नाइस मीटिंग विद यू सर। कल मुलाकात करते हैं, बोलिए सी यू टुमारो सर। सी यू टुमारो सर। एंड जो व्यूअर्स प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हमें बेहद खुशी होती जब आपके फीडबैक्स मिलते हमें, लेकिन ये फीडबैक्स के लिए आपको
मैसेज करना पड़ेगा या फिर जो हेल्पलाइन दे रखे हैं उस पर व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना पड़ेगा। जो भी दलील है आपकी, जो भी आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में और कुछ अपडेट कर सकते हैं, नयापन ला सकते हैं, हालांकि बहुत नयापन है पिछले प्रोग्राम से, फिर भी ये आपके सुझावों से ही हुआ है। और कोई भी सवाल है, इंतजार रहेगा, बेहद खुशी होती है आपके सवालों का जवाब देकर। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू एवरीबडी, इट्स इनफ, थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़, शहर की धड़कन।